उधमसिंह नगर जिले में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की वजह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से सटी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े 11 अंतरराज्यीय बैरियर को खोला गया है, जिसमें 7 काशीपुर सेक्टर में शामिल है। आपको बताते चले कि जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने पुलिस की चुनौती को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली छूट के बाद बॉर्डर से लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है, जिसके चलते बाजपुर, काशीपुर और कदरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ये सभी कोरोना मरीज अन्य राज्यों से आए हैं। लॉकडाउन के प्रथम चरण के बाद से ही उधमसिंह नगर पुलिस ने बॉर्डर पर निगरानी शुरू कर दी थी। यूपी सीमाओं पर पुलिस की खास चौकसी थी। जिले में गेहूं की कटाई यूपी की सीमाओं पर 21 बैरियरों को किसानों को राहत देने के मकसद से खोला गया था, लेकिन अब 11 बैरियर से ही लोगों को आने जाने दिया जाएगा। एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि गेहूं की कटाई के समय किसानों को राहत देने के मकसद से बैरियर खोल दिए गए थे। वहीं अब बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही को देखते हुए तथा गेहूं की कटाई के सीजन को समाप्त होने के बाद अब केवल जिले भर में 11 अंतरराज्यीय बैरियरों को आवाजाही के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें काशीपुर सेक्टर में 7 अंतरराज्यीय बैरियर शामिल हैं। बीच में जो गेहूं कटाई का सीजन आया था, तो किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए जितने भी हमारे इंटरस्टेट रूट्स थे वो सारे खोल दिए गए। लेकिन अब चूँकि आपको मालूम है कि मूवमेंट शुरू हो गया है हमारे जो बाहर उत्तराखंड के लोग रहते हैं, दूसरा किसान ये गेहूं कटाई का सीज़न हमारा समाप्त हो चुका है, इसलिए जनपद में मात्र 11 इंटरस्टेट जो रोड हैं उनको खुला रखा गया है। जो भी आएगा पैसेंजर वो केवल इन 11 रूट से ही आ सकता है, जिसमें हमारे काशीपुर सेक्टर में कुल 7 इंटरस्टेट रोड हैं, जिसमें 3 जसपुर में हैं, जिसमें धर्मपुर, नादेही और तालबपुर। इसके अलावा एक कोंडा थाने में है सूर्या बैरियर, 2 आईटीआई में है दड़ियाल और अलीगंज बैरियर, और 1 डोराहा बैरियर है बाजपुर थाने में। बाकी 4 हमारे रुद्रपुर सेक्टर में हैं। तो जो भी लोग बाहर से आएंगे हमारे अन्य राज्यों से या यूपी के जो नज़दीकी जनपद हैं, तो ये केवल इन बैरियर्स का इस्तेमाल करें।